हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है जिनका करीब 1.25 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। इनका फ्रंट में रिसीडिंग हुआ था, उसके लिए लगभग Grade 3 पैटर्न इनका था, तो 3000 ग्राफ्ट हमने प्लान किए थे। आप इमेजेस में देख सकते हो किस तरह से ग्राफ्ट की प्लानिंग हुई थी, कैसे ग्राफ्ट प्लांट हुए हैं, और इनका फाइनल क्या आउटकम आया है वो आज सामने है। और 1.5 साल में क्या इनका पूरा एक्सपीरियंस रहा है क्लिनिक को लेके, स्टाफ को लेके, या फॉलोअप्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके, तो आज पेशेंट से हम सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा सर के साथ। बहुत पोलाइट नेचर है, स्टाफ बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ये लोग, और रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये बहुत कॉमनली होता है आजकल की बहुत सारी जगह टेक्नीशियन सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगा कि मेरी जगह कोई और आ रहा है या कुछ ऐसा इस तरह का कोई इशू? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ओके। और पेन का एक रहता है लोगों को कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल प्रोसीजर में या प्रोसीजर के बाद आपको हेडेक वगैरह की कोई प्रॉब्लम ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। स्टार्टिंग में सिर्फ 15 दिन थोड़ा सा एनेथीसिया के चक्कर में हैवीनेस फील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। और आपको ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हों, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल रूटीन नॉर्मल लाइफ जैसे हाँ चलती सर। है वैसे ही चल रही है। ठीक है। तो ओवरऑल आप क्लिनिक को रिकमेंड करेंगे अगर कोई पेशेंट आपको चाहता है कि भाई आपसे पूछता है कि कहीं सर्जरी आप करा सकते हो या ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो आप क्लिनिक को रिकमेंड करेंगे? अब मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, आज मैं अपने बड़े भाई को लेके आया हूँ यहाँ पे, उनको भी सेम मेरे जैसी कंडीशन है, तो उनको भी मैंने रिकमेंड किया कि आप सर से मिलिए, बहुत अच्छा नेचर है वो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है सर का, और गाइड बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन।